प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ, 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम धनपत राय, प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। अब कुछ मुख्य बिंदु जानते हैं इनके। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लहमी में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिश में होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरशार मिर्ज़ा हाथीरुशवर मौलाना सरर के उपन्यास से परिचय प्राप्त कर लिया था। कार्यक्षेत्र। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक अय्यारियों पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद्र ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग्य थी जो अब अनुपलब्ध है। कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं उनके। कृतियाँ। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अब कुछ मुख्य रचनाएं देखती हैं उनकी। असरारे महाब्दी उर्फ देवस्थान रहस्य, उर्दू साहित्य साप्ताहिक आवाज कल्फ में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक प्रकाशित। सेवा सदन 1918 में लिखा। प्रेमाश्रय 1922 में, ये उनके उपन्यास हैं। रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1925 में, कायाकल्प 1927 में, गबन 1928 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगल सूत्र जो अपूर्ण रहा। उनकी कुछ मुख्य कहानियाँ, नाटक, लेख, निबंध, अनुवाद भी उन्होंने किए हैं। कुछ समालोचनाएँ भी की हैं और उनके जीवन से कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं। और आप ज़रूर उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ें। पुरस्कार सम्मान भी मिले हैं उन्हें। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। उसके बरामदे में भित्ति लेख है जिसका चित्र दाहिनी ओर दिया गया है। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का संग्रहालय भी है जहाँ उनकी एक वक्ष प्रतिमा भी है। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रेमचंद की कहानियाँ जरूर पढ़ें, जैसे कि पूस की रात है, और मैंने भी कई कहानियाँ पढ़ी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें मैं आपके लिए और किस किस की जीवनी लाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।